नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारी टीम का फोर्थ डे है। लगातार लोगों के घरों तक हमारी टीम जो नीडी लोग हैं एक्चुअली ऑन ग्राउंड, उनको ड्राई राशन प्रोवाइड कर रही है। तो ये हमारी जो मुहिम है, मेरे डायरेक्टर मिस्टर डीएस सैनी सर ने इसके बारे में सोचा और उन्होंने कहा कि हम इस मुहिम को स्टार्ट करना चाहते हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, तो उनको सारा क्रेडिट जाता है। उनके कारण हम इस जो यूनिक जो काम कर रहे हैं उसके बीच में हमारी सारी टीम आई हुई है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि पहले हम इमिग्रेशन की वीडियोस डालते थे लगातार, तब भी हमें बैड कमेंट्स लिखते थे क्योंकि हमारा प्रोफेशन ऐसा था। उसके बाद योगा का भी मैं लगातार वीडियोस डालता रहता हूँ, फिटनेस के लिए फ्री की वीडियो डालता हूँ, वो भी फ्री की ही डालता हूँ, इमिग्रेशन की भी। उसके ऊपर भी लोग बैड कमेंट्स देते हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं। अभी इस सोशल ये कोर्स के ऊपर हमने जो इतनी प्रॉब्लम आई हुई है, इतना बड़ा कोर्स है, इसके ऊपर हम बाहर लोगों को इतनी स्ट्रिक्टनेस है कि ये डिसीज इमीडिएटली आगे 100 लोगों तक फैलता है। तो हम अपनी जान हथेली पर रखकर, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे भी, हमारी भी फैमिलीज हैं, जो मेरे एम्प्लॉयज हैं, मेरी टीम है, उनकी भी फैमिलीज हैं, वो भी अलाउ नहीं करती, कहते नहीं जाना, घर में रहो। हम इतने बड़े कोर्स में बाहर आकर लोगों को जो नीडी पीपल है सामान प्रोवाइड कर रहे हैं, तब भी लोग कुछ तत्व है, सारे नहीं, कुछ तत्व फिर भी बैड कमेंट्स डाल रहे हैं। फोटो डालने की क्या जरूरत है जी, वीडियो बनाने की क्या जरूरत है। इन चीजों को जो मैं डालता हूं, मैं दिस इज ओनली फॉर अवेयरनेस। अगर हमारे पास कोई चीजें ऐसा चीजें हैं जिसके थ्रू हम कोई मैसेज किसी को कन्वे कर पाए ताकि वो सामने वाला भी मोटिवेट हो पाए, तो वो भी इस चीज के अंदर पार्टिसिपेट कर पाए, इस कारण हम ऐसी वीडियोस डालते हैं। और मेरा दिल थोड़ा करता है कि मैं ऐसी वीडियो और फोटो डालूं, तो मेरी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, जो भी बैड एलिमेंट्स हैं, गलत कमेंट्स लिखते हैं, गलत चीजें डालते हैं, तो हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन एटलीस्ट अपने दिमाग से कोई लगाए कि किसी का दिल करता है जेब से पैसे निकालने को, किसी को देने के लिए, पैसे के तो शोर तो बाहर ही निकलने के आगे, आप सोशल वर्क ही कर लो, पैसे भी हम लगाने के लिए तैयार हैं। बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे लोग घरों के अंदर हैं, दे आर कॉलिंग अस कि हम सर 1000 रुपया भेज देते हैं, आप करिए। हमने उनको हाथ जोड़ा, सर नहीं हम नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ डीसी साहब से मिलिए, यहाँ पे वो जो आपको डायरेक्शंस देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप आगे काम करिए। तो आज हमारा रेगुलर फोर्थ डे था, हम देख कर आए घर घर के अंदर जाकर। पिछली वीडियो में भी मैंने ये बताया था कि हमारी जितनी भी मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो इंडिविजुअली काम कर रहा है, चाहे वो कोई संस्था के थ्रू काम कर रहा है, वो जो भी स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है वो सड़कों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करके चले जाती है। लेकिन जो लोग घर से निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि घरों के अंदर अगर आप सिचुएशन देखकर आएंगे ऑन ग्राउंड, जिनको एक्चुअली सामान चाहिए तो उनको सामान अभी तक नहीं पहुंच पा रहा है, सिर्फ फॉर्मेलिटी करके चले जा रहे हैं। तो एक हमारी ही ऐसी संस्था, हमने ही ऐसा इनिशिएटिव लिया विद द हेल्प ऑफ मेरे डायरेक्टर्स मिस्टर डीएस सैनी के थ्रू, कि हमने डोर टू डोर जाकर जिसकी जो भी लिस्ट हमें डीसी सर ने प्रोवाइड की, यहाँ से जो भी हमारे पास आती थी हम पहले उसको फोन करके वेरीफाई करते थे, घर में जाकर देख कर आते थे, देख के आके सिचुएशन देखने के बाद उसको हम इमीडिएटली जो भी राशन था हमको प्रोवाइड करते थे। तो बहुत सारे लोग इस टाइप के भी आए, और जितनी भी कॉल्स डीसी ऑफिस में जा रही हैं आज की डेट में, जो हमने एनालाइज किया, जो डाटा हमारे पास आता है, 60% कॉल फेक कॉल्स हैं। फेक कॉल्स क्या हैं, उनको पास सारा क्वेश्चन क्वेश्चन पड़ा हुआ है, किसी के पास 5 दिन का राशन पड़ा हुआ, किसी के पास 10 दिन का राशन पड़ा हुआ, दे आर पैनिक। जैसे हम लोग जो जेन्युइन लोग थे, जो जेन्युइन लोग हैं बड़े बड़े या बड़े उपकल, उन्होंने के पैनिक में क्या किया, पैनिक बाइंग की, घर में स्टॉक भर लिया। इसी तरीके से जो नीचे वाले भी हैं, गरीब है, लेबर है, वो भी पैनिक है, वो भी कहती 5 दिन का राशन खत्म हो जाएगा, 10 दिन का, उसके बाद क्या करेंगे, तो उन्होंने भी कॉल कर दिया। वो ऐसा डाटा 60% वही है, उसमें क्या हुआ, उनका भी टाइम वेस्ट हुआ, जो गवर्नमेंट हमारी एजेंसी बनी हुई है, और जो सोशल वर्क कर रहे हैं उनका भी टाइम वेस्ट हुआ है, और फिर भी सामान एक्चुअल बंदे पर पहुंच नहीं पा रहा। तो उनसे मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जिसके पास 5 दिन 10 दिन का राशन पड़ा है, वो प्लीज डीसी ऑफिस में कॉल ना करें, क्योंकि अगर आप हमारे साथ चले ना, जाकर देखिए सिचुएशन क्या है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको खाना मिल ही नहीं रहा पा रहा, उनके पास तो चीज पहुंच नहीं पाएगी, क्योंकि ये तभी पता चल पाएगा अगर हम ग्राउंड में जाकर देखेंगे। एक तो ये रिक्वेस्ट है, दूसरी ये रिक्वेस्ट है कि जितनी भी हमारी फैक्ट्रियां वाले हैं, जिनके पास इंप्लाई काम कर रहे हैं फैक्ट्रियों में या कहीं पर भी, जो गरीब लोग हैं, जो हमारा फोर्थ क्लास हो सकता है, उनको अपना एक फैमिली मेंबर समझिए आप।
अगर इस कोव से हमने बाहर निकलना है, अगर उसको हम बीइंग ए फैमिली मेंबर कंसिडर करेंगे तो वो भी भूखा नहीं रहेगा। कारण क्या हुआ कि जब हमने जाकर देखा जो फैक्ट्री में लेबर काम कर रही थी वो भी बेचारी रो रही है, तो फैक्ट्रियों वालों की थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उनसे मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कोई बात नहीं, सैलरी नहीं देनी है, दो दिन लेट दे दीजिए, लेकिन एटलीस्ट उनको राशन प्रोवाइड कर दीजिए आप, ताकि दे विल बी हैप्पी है देयर जहां पर भी वो स्टे कर रहे हैं कि चलो राशन मिल रहा है। कोई नहीं, कितने का राशन आ जाएगा, 2000 का आ जाएगा, 500 रुपए का आ जाएगा, 1000 रुपए का, 1000 रुपए का, उसको राशन डलवा दीजिए अपने अपने एम्प्लॉइज को। जब घर में खुशी होती है, फैक्ट्रियों में कोई प्रॉफिट आता है, या घर के अंदर उनके मैरिज शादियां होती हैं, तो अपने एम्प्लॉइज का कितनी फेवर करते हैं। अब फेस्टिवल चल रहे हैं, माता रानी के नवरात्रे आते हैं, हम इतने लंगर लगाते हैं, लोगों को ये लंगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आज की डेट में उनको आगे आना जरूरी है। जितनी भी ये संस्थाएं हैं, चाहे गुरुद्वारा है, चाहे मंदिर है, चाहे मस्जिद है, चाहे चर्च है, ताकि ये जो खाना है नीडी लोगों को पहुंच पाए। हस्बैंड की करते सी ताडे ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਿਲਸਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। 93 ਚ ਅਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀਗੇ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਈ ਓ ਸੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀ, ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ। ਉਦੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, 3-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੱਗੂ। ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਈ ਦੇਖ ਲਈ ਅਸੀਂ? ਦੇਖ ਲਓ, ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਪਈਆਂ, ਆਲੂ ਵੀ। ਗੁਆਂਢੀ ਆਏ ਸੀ, 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ। ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਅਗਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਪਿਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 8-10 ਦਿਨ ਦਾ, 8-10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਓ ਨੰਬਰ 1। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂ। ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਡੀਸੀ ਸਰ ਸੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਬਰਿੰਦਰ ਸਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸੇ ਵੀ, ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਕੋ ਹਮ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਹਮ ਐਸੇ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਮਾਰੇ MC ਹੈ ਜਿਸ ਜਿਸ ਮੁਹੱਲੇ ਮੇ, ਔਰ ਉਸ ਮੁਹੱਲੋਂ ਮੇ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪੇ, ਜੋ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਚਰਚ ਹੈ, ਉਨਕੀ ਵਹਾਂ ਕੇ ਜੋ MC ਹੈ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਫਿਕਸ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਫ ਆਫ DC ਜੈਸੇ ਵੀ ਹੋ, ਕਿ ਉਹ ਲੰਗਰ ਸੁਬਹਾ ਸ਼ਾਮ ਬਣਾਏ ਮੰਦਿਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਜੋ ਵਹਾਂ ਪਰ ਉਸ MC ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੋ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਨਕੇ ਪਾਸ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹਾ ਹੈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕੇ ਕਾਰਨ, ਤੋ ਉਨਕੋ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਵਹਾਂ ਪਰ ਫੈਮਿਲੀ ਕਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਂ, ਵਹਾਂ ਰਸ਼ ਨਾ ਡਾਲੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਮੇਂ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹਾ ਹੈ ਵਹਾਂ ਰਸ਼ ਡਾਲੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜੁਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਮੇਂ, ਜੋ ਵੀ MC ਹੈ ਉਸਕੀ ਜੁਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਮੇਂ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜੀਅਨਸ ਜੇ ਆਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਚਰਚ ਹੈ, ਵਹਾਂ ਪਰ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਫੂਡ ਬਣੇ, ਔਰ ਜੋ ਨੀਡੀ ਲੋਕ ਹੈ ਵਹਾਂ ਕੇ, ਜਿਨਕੇ ਪਾਸ ਐਕਚੁਲੀ ਖਾਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਕੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਫਿਕਸ ਕੀ ਜਾਏ ਉਸ ਏਰੀਆ ਕੇ MC ਕੀ, ਕਿ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੇ ਲੋਕ ਨੀਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਜਾ ਕਰ ਵਹਾਂ ਸੇ ਖਾਣਾ ਆਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਮੇਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕੋਂ ਕੀ ਇਹ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਰੱਖ ਦੀ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਸਕੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਮੇਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਤਾ ਕੋਈ ਆਟਾ ਦੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਹਾਂ ਪਰ ਲੰਗਰ ਬਣੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖਾਣਾ ਲੋਕੋਂ ਕੋ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮਿਲ ਪਾਏ, ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਤਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ ਹਮ ਤੇਜ ਮੋਹਨ ਨਗਰ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 5 ਮੇਂ ਗਏ ਥੇ, DC ਸਰ ਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਥੀ, ਜਲੰਧਰ DC ਸਰ ਕੀ ਅਮੀ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੀ ਵੀ ਜੀ ਕੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ, ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਡ ਹੈ UP ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੀ ਵੀ ਸਟੇਟ ਸੇ ਕਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ, ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਗੈਸਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਹਮਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੇ ਲੋਕ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹਮਾਰੇ ਕਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਪਲਾਇੰਗ ਏ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਇਨ ਦਾ ਇਕੋਨਮੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਮੇਂ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੈ, ਆਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੋ ਆਜ ਹਮੇ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਸਟੈਂਡ ਹੋਣਾ ਪੜੇਗਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨਕਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਨਕੋ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਸ ਮੁਹੱਲੇ ਮੇਂ ਜਾ ਕਰ ਆਏ ਵਹਾਂ ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 250 UP ਬਿਹਾਰ ਕੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਰਹਿ ਰਹੇ ਔਰ ਅਦਰ ਸਟੇਟਸ ਕੇ, ਉਨਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕਰ ਆਏ ਤੋ ਰੋਣਾ ਆਤਾ ਹੈ।
तो वहां पर जाएं, उनको दीजिए खाना, उनको चाहिए, सड़क में बांटने का कोई फायदा नहीं है, कोई खा गया कोई रह गया सड़क में, तो वो लोगों को मालूम है कि यहाँ पे तो गाड़ी आनी आनी है, वो लोग आगे बस इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन वहां पर कोई नहीं जा, तो वहां उनको प्रोवाइड करके आए खाना, उनको चाहिए खाना आज की डेट में। तो MC भी हमारे जितने भी और हैं उनको प्रोवाइड कर दीजिए चावल अनाज जो भी व्हाट्सएप पर मिलता है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी वहां पर गई, हम भी 15-20 लोगों को कुछ ना कुछ खाना देकर आए 5-10 दिन का। तो वहां पर जाना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारी बातें हैं और लोगों को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सिलेंडर की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट 1 महीने के लिए सब जितने भी लोग हैं, गरीब लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, उनको सिलेंडर महीने के लिए फ्री प्रोवाइड कर दिया जाए, क्योंकि सिलेंडर नहीं है, अभी राशन तो प्रोवाइड कर रहे हैं, और कम से कम जिन लोगों को हम राशन प्रोवाइड करते हैं उनकी फिर हाथ जोड़कर यही रहते हैं, रो रहे हैं कि हमें सिलेंडर भी चाहिए। तो उनको इमीडिएटली, जो पॉवर्टी लाइन में रह रहे हैं, जिनके कोई पीले कार्ड बने व्हाट्सएवर, उनको सिलेंडर एटलीस्ट इमीडिएटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। ऐसी प्रॉब्लम, मेडिसिन की बहुत प्रॉब्लम आ रही है सिचुएशन, जब लोगों को सामान देकर आते हैं, देखते हैं तो बंदा बेड पे पड़ा हुआ है, कहते मेडिसिन खत्म है, जब कहते जाओ ले आओ कहते हमारे पास पैसा नहीं है, ऐसी भी सिचुएशन आई है। उसको किस तरीके से कोप अप कर सकते हैं, उसके लिए भी कोई ना कोई एक टीम खड़ी की जाए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जब हम बाहर मार्केट में जाकर देख कर आ रहे हैं। तो मेरी हर एक बंदे से रिक्वेस्ट है आज की डेट में हमें पेशेंस से एक कंधे से कंधा लगाकर आगे आने की जरूरत है। किसी का भी कोई भी दिल कर रहा है इसको काम करने में, इस सोशल वर्क करने में, तो हमारे DC साहब जलंधर में जाके संपर्क करें, वो आपको बहुत सारे इस टाइप की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करवा सकते हैं कि आप जाकर ये काम में यहाँ पर राशन डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट कर, इस टाइप के काम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो लास्ट थैंक्स।